हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ छोला मसाला की रेसिपी, वो भी प्रेशर कुकर में। ये मैं बहुत ही इजी वर्जन आपको बताऊंगी और टेस्ट उसका उतना ही अच्छा रहेगा प्रेशर कुकर में, क्योंकि और इंटैक्ट हो जाते हैं टेस्ट। तो मैं आपको बहुत ही ईजी वर्जन इसका बताने जा रही हूँ। रेसिपी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छोला मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम काबुली चना लिया है, जिसको हमने 6 घंटे के लिए भिगा दिया था। तो ये देखिए ऐसे फूल के हो जाता है, आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको भिगा सकते हैं। 4 हमने प्याज लिए हैं, उसको रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हमें इसको फाइनली ग्राइंड करना है। 20 कलियां लहसुन की ली हैं, आधी कटोरी हमने छोटी कटोरी धनिया की पत्ती ली है गार्निशिंग के लिए, 2 इंच अदरक की ली है, 5 हमने टमाटर लिए हैं। खड़े मसालों में हमने लिया है थोड़ी सी, हमने गोल मिर्च ली है, 4 लौंग ली है, 2 हमने छोटी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, ये हमने लिया है दालचीनी लिया है कुछ पीसेस इसके, और 2-3 हमने तेज पत्ता ले लिया है, 5 टेबलस्पून हमने वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार लेना है आपको, जीरा लिया है 1/2 चम्मच हमने साबुत, हमने हींग ली है 1 चुटकी, हींग बहुत ज़रूरी रहता है छोले का, कोई भी रेसिपी आप बनाते हैं तो उसमें हींग बहुत ही ज़रूरी रहता है। 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च लिए। कश्मीरी लाल मिर्च से क्या होता है कि बहुत तीखा नहीं होता है बस, बट इसमें टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को आप जब भी बनाएं तो कश्मीरी लाल मिर्च में बनाएं। मैंने 1.5 चम्मच लिया है, और मैंने 1.5 चम्मच लिया है छोला मसाला, इससे असली फ्लेवर आएगा हमारे छोलों में। अब सबसे पहले हम ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें प्याज ले लेंगे अपने, लहसुन ले लेंगे, अदरक ले लेंगे, अब बहुत ही थोड़ा सा पानी लेंगे, ज़्यादा नहीं बस बहुत ही थोड़ा पानी, क्योंकि हमें इसका फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार करना है। आप देख रहे होंगे कि इसमें लहसुन की मात्रा, प्याज की, अदरक की ज़्यादा है। जी हाँ, छोलों में अच्छे से मसाले लगते हैं और इन सब का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने इसकी मात्रा इन सब की ज़्यादा ली है। अब इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमको ग्राइंडर जार में अपने टमाटर का भी पेस्ट तैयार कर लेना है। टमाटर का पेस्ट बनाते वक्त हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर भी इसमें बहुत ही अच्छा टैंगी टेस्ट आता है, इसीलिए टमाटर मैंने इतने लिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसका भी फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। टमाटर का भी स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। अब ये जो खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, मैंने इसमें आधी ली है गोल मिर्च, आधी छोड़ दी है, इसको हमें सिंपली रफली ऐसे ही क्रश कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको हमें करना है, बस रफली हमें क्रश कर लेना है कि जिससे इन सब के थोड़े थोड़े खड़े मसालों के फ्लेवर भी आ जाए। ये देखिए हमने इन मसालों को रफली क्रश किया है, पूरा हमने बारीक नहीं किया है, रफली कि जिससे इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए अब ये हमारा तैयार हो गया। अब हम अपना कुकर गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस पर हमने कुकर चढ़ा दिया है, अब हम अपना इसमें ऑयल लेके डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छे से। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें हींग डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और खड़े मसाले भी लेके डाल देंगे, इसका अच्छे से फ्लेवर आने देंगे, अच्छे से स्प्लटर होने देंगे इसको। अब हम इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। पेस्ट हमने डाल दिया, अब हमें इसे हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाना है अच्छे से चलाते हुए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने मसाले डालेंगे इसमें, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है, और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। हम इसमें छोले मसाले भी ऐड कर लेंगे, अच्छे से चला के इसको धीमी आंच पे, वरना मसाले हमारे जल जाएंगे, धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए फिर इसको पका लेंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से थोड़े थोड़े भुनने स्टार्ट हो गए, एक जगह कलेक्ट होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर हमने पीसे थे इसको भी लेके डाल देंगे, इसको अच्छे से हम चला लेंगे, अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा करके, ऊपर से मैंने पूरा प्रेशर नहीं लगाया, बस ऐसे सिंपली हमें अपना लेके ढक्कन लगा देना है 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे, कि टमाटर हमारे अच्छे से पक जाएं। 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर हमारे अच्छे से थोड़े थोड़े पकने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम अपनी फ्लेम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे
2 मिनट तक पका लेंगे, लेकिन लगातार चलाते रहेंगे। इससे क्या होगा, टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और मसाले थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। 2 मिनट हो गया था, हमने इसे लगातार पेस्ट को, मसाले के पेस्ट को अच्छे से लगातार चलाया है। अब ये जो हमारे चने थे इसको हम इसमें लेके डाल देंगे, ये हम इसी में पकाएंगे, हमने इसको बॉयल नहीं किया है, बस ये ओवरनाइट सोक किया था, या 6 घंटे के लिए भी आप सोक कर सकते हैं। इससे क्या रहता है, ये कुछ हद तक और अच्छा बनता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसको पकाएंगे तो अंदर तक मसाले इसके अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही इजी तरीका है, आपको पहले से उबाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही पका सकते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से पहले चला लेंगे कि मसाले अच्छे से हमारे चनों में हो जाएं, और अच्छे से पहले हम इसको चला लेंगे। 2 मिनट हो गया हमें इसे चलाते हुए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी ऐड करने के पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक हमें स्वाद अनुसार ही डालना पड़ेगा, नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद अब हम पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी आपको देख के ऐड करना पड़ेगा, आपको गाढ़ा ग्रेवी पसंद है या पतली ग्रेवी पसंद है, आपको चावल के साथ खाने हैं या छोले भटूरे आपको खाने हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी रखिए। मैंने ये देखिए इतना गाढ़ा है, क्योंकि ये पकने के बाद क्या होता है और गाढ़ा होने लगता है, तो मैंने इसमें टोटल 1.5 गिलास पानी डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे, गरम मसाला लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि लास्ट में डालने पे फ्लेवर अच्छे से आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम अपना कुकर बंद कर देंगे अच्छे से, और इसकी एक वेसल तेज आंच पे आने देंगे, उसके बाद इसको धीरे कर देंगे क्योंकि हमने इसको पहले से बॉयल नहीं किया है, और फिर धीमी आंच पे 5-6 सीटी अच्छे से आने देंगे। 5 सीटी में ये पूरा हो जाता है, बट वो मीडियम से लो फ्लेम पे ही रहे वो सीटियाँ, 1 सीटी हाई फ्लेम पे पहले हम कर लेंगे। 5 सीटियाँ हो चुकी हैं लो फ्लेम पे, 1 सीटी हाई फ्लेम पे हुई थी, 5 सीटी लो फ्लेम पे हुई थी। अब हम अपना देखते हैं कि चने हमारे गले के लिए, ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब एक चना निकाल के हम चेक करेंगे कि ये हमारा अच्छे से गला है कि नहीं, बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट लेकर के आप बना दें, इससे क्या होता है और अच्छे से मसाले एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे चनों में। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे सर्व के लिए। ये देखिए इसको मैंने कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश किया है, आप जब भी इसको सर्व करिए तो टमाटर, प्याज, नींबू और हरी मिर्च के साथ सर्व करिए, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है। ये आप भटूरे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, रोटियों के साथ खाइए, पूरी पराठे के साथ खाइए, सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी छोले मसाले की रेसिपी पसंद आई हो, वो भी प्रेशर कुकर में, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके बाय।